दोस्तों मैं हूं राज और आप देख रहे एवं ट्यूशन तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास इलेवंथ पॉलिटिकल साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को स्पेशली ये वीडियो एस बोर्ड के लिए है तो एग्जाम आ चुका है और यही एग्जाम्स के लिए हम लोगों ने ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए तो इस पीडियप में हमने क्या लिया है सारे ईयरली क्वेश्चन को इंक्लूड किया है तो ये सारे ईयरली क्वेश्चन अगर आप कर लेते हो तो आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाने वाला है कोई भी डाउट हो कोई भी दिक्कत तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके पूछ सकते हो इंस्टाग्राम का भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा तो चलिए फटाफट देर ना करते इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे पार्ट ए से तो पार्ट ए का सबसे पहला जो हमारा चैप्टर है वो है मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा देख लो यहाँ पे हु हुज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये 2011 में 16 में अठारह में आ चुका है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मैंशन एशोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये सब सारे ईयरली क्वेश्चन है ठीक है हु आज द चेयरमैन ऑफ़ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ऑफ इंडिया मैंशन एन आइडियल इनकॉर्पोरेटेड इन द पेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स इंडिया एज द यूनियन ऑफ स्टेट तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है ना आपको जैसे कि वाट इज कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है राइट ए जस्टिस मैंशन इन द पेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वट इज़ द फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नीड ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन हू मेड आवर कॉन्स्टिट्यूशन सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो ऐसे वट इज़ प्रियम्बल वाई डिड द फ्रेमर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड फ्रॉम यू के यू एस ए हाउ मेनी आर्टिकल्स एंड शेड्यूल्स आर डेयर इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन मैंशन टू कैरेक्टरसिक्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन राइट द नेम ऑफ द टू मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली मैंशन टू लिमिटेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फंक्शंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है ना आप लोगों को पढ़ने हैं फर्स्ट चैप्टर से ठीक है उसके बाद है चैप्टर नंबर टू यानी कि फंडामेंटल राइट्स तो फंडामेंटल राइट हमें क्या क्या पढ़ने हैं जैसे ट्रू फॉल्स में कैसे आएगा क्वेश्चन फंडामेंटल राइट्स आर एब्सोलूट या तो ट्रू या तो फॉल्स आपको बताना है दो में आ चुका है By which amendment of the Constitution of India the right to property was deleted? Which fundamental rights of Indian Constitution is regarded as the heart and soul of Constitution? तो so, ये सब सारे क्वेश्चन जो है आप लोगों को चैप्टर नंबर टू से पढ़ने हैं ठीक है तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना और आप आराम से पढ़ सकते हो अगर इन सब सारे क्वेश्चन के जो है ना अगर आप लोगों को आंसर चाहिए तो भी आप बताना कॉमेंट सेक्शन में मैं उसकी आंसर जो है ना बहुत जल्द से जल्द अपलोड करने की कोशिश करूँगा जैसे वाटर राइट्स एनी टू फंडामेंटल या फिर डेफिनेशन ऑफ राइट्स कुछ फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताओ है तो ये सब सारे जो है ना चैप्टर नंबर टू से पढ़ने फिर चैप्टर नंबर थ्री चैप्टर नंबर थ्री सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेमोक्रेसी तो यहाँ पे हु कंट्रोल द इलेक्शन प्रोसेस ऑफ इंडिया व्हाट इज़ इलेक्शन इलेक्शन क्या है हाउ मैनी मेम्बर्स आर देयर इन लोकसभा फ्राम आसाम वाट डू यू मीन बाई यूनिवर्सल्ट फ्रेंचाइजिज वि विच टाइप ऑफ डेमोक्रेसी इज देयर इन इंडिया राइट ब्रीफली ऑन इलेक्टोरियल कॉन्स्टिट्यूशन फिर राइट डिफरेंस बिटवीन एफ पी टी पी सिस्टम एंड प्रोपोशनल इलेक्शन सिस्टम के बारे में मैंशन सम सजेशंस फॉर इलेक्टोरियल रिफॉर्म्स इन इंडिया ये सब ड्रॉबैक्स के बारे में बताना इंडियन इलेक्शन सिस्टम में तो ये सब सारे क्वेश्चन जो है ना आप लोगों को पढ़ने हैं चैप्टर नंबर थ्री से उसके बाद चैप्टर नंबर फोर चैप्टर नंबर फोर एग्जीक्यूटिव इन पार्लियामेंट्री सिस्टम तो पहला है हु अपॉइंट द गवर्नर ऑफ स्टेट वाट इज़ द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मैंशन टू डिस्क्रिमिनेटरी पावर्स ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट हुआ अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मैंशन टू क्वालिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फंक्शंस के बारे में पढ़ना आप लोगों को क्वालिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट मैंशन फंक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स डिस्क्राइब फंक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिस्कस द पावर्स एंड फंक्शन ऑफ यूनियन काउंसिल मिनिस्टर्स रोल पढ़ना आप लोगों को रोल ऑफ प्राइम मिनिस्टर इमरजेंसी पावर्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स फोर एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर ठीक है पावर्स ऑफ बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है इस चैप्टर से यूनिट नंबर फाइव सॉरी हाँ या फाइव लेजिस्लेचर एंड एट द सेंटर एंड द स्टेट लेवल यहाँ पे पढ़ने तो हु इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा नेम द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट हाउ मेनी मेंबर्स आर दे इन लोकसभा फ्रॉम आसम नेम टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट राइट टू क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेचर फंक्शंस ऑफ लोकसभा मैंशन टू रोल्स ऑफ द स्पीकर ऑफ लोकसभा हाउ मेनी मेम्बर्स आर नॉमिनेटेड बाई द प्रेसिडेंट टू लोकसभा ना ये सब करना है आप लोगों को चैप्टर नंबर फाइव से ठीक है तो ये सब देख लेना ये चैप्टर नंबर फाइव से ये सब सारे ईयरली क्वेश्चन हैं कई बार क्वेश्चन जो है ना बार बार रिपीट होते रहते हैं तो इन सब सारे क्वेश्चन को आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से देख लेना है नेक्स्ट चैप्टर नंबर है हमारा सिक्स जुडिशरी हु अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया उसके बाद वेन द सुप्रीम कोर्ट कैन बी यूज एडवाइजरी जुडिशक्शन राइट टू फंक्शंस ऑफ जुडिशरी राइट टू नेसेसरी क्वालिफिकेशन ऑफ द जजेस ऑफ हाई कोर्ट What डू यू मीन by? है ना तो ये सब आपको पढ़ना है चैप्टर नंबर फाइव से सिक्स से चैप्टर से आप लोगों को ये सब सारे क्वेश्चन पढ़ने हैं ये सब देख लेना नेक्स्ट हमारा चैप्टर नंबर सेवन फेडरलिज्म तो फेडरलिज्म से हमें क्या पढ़ना है तो विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज गिवेन स्पेशल स्टेटस टू जम्मू एंड कश्मीर नेम द ओनली स्टेट्स हु हैव ओन कॉन्स्टिट्यूशन राइट फीचर्स ऑफ इंडियन फेडरलिज्म वाट आर द लिस्ट रिगार्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स मैंशन टू फेडरल फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू यूनिटरी फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो ये सब पढ़ने आप लोगों को लेसन नंबर सेवन से नेक्स्ट चैप्टर है हमारा लोकल गवर्नमेंट तो लोकल गवर्नमेंट से हम लोग को क्या पढ़ने वाट इज़ द हाइस्ट नंबर ऑफ मेम्बर्स ऑफ गुवाहाटी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन राइट टू फीचर्स ऑफ पंचायत एक्ट नाइनटीन फोर राइट टू फीचर्स ऑफ लोकल गवर्नमेंट राइट टू कैरेक्टरिस्टिक्स लोकल ऑटोनोमस सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में बताना है वाट इज द कमीशन राइट फोर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेवेंटी थर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इन इंडिया फिर मैं फोर फंक्शन ऑफ गाँव पंचायत अकॉर्डिंग टू असम पंचायत एक्ट तो ये सब सारे क्वेश्चन आपको चैप्टर नंबर एट से पढ़ने चैप्टर नंबर नाइन पॉलिटिकल फिलोसॉफी एंड अंडरलाइनिंग द कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पहला क्वेश्चन देखो इंडिया इज ए सेकुलर स्टेट याद तो ट्रू या तो फॉल्स तो बताना है आप लोगों को तो इंडिया एक सेकुलर स्टेट है ना व्हाट इज इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस मेंशन टू आइडल है ना ये सब पढ़ना है आप लोगों को क्वेश्चन नंबर फोर फाइव ये सब देख लेना वाई इंडिया इज कॉल्ड सॉवरेंट सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक वाट इज द एम ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लास्ट चैप्टर हमारा पार्ट ए का है कॉन्स्टिट्यूशन एज ए लिविंग डॉक्यूमेंट तो ये सब सारे पढ़ने हैं आप लोगों को इसमें से चैप्टर नंबर टेन में से वट डू यू मीन बाई ऑर्डिनरी बिल है ना ऑर्डिनरी बिल क्या है मैंशन फोर ड्रॉबैक्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ऑफ इंडिया राइट इन नोट ऑन ट्वेंटी सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नेक्स्ट हमारा पार्ट भी है नेक्स्ट बुक से जिसका पहला चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ टू पोलिटिकल थ्योरी सबसे पहला क्वेश्चन हमारा द रिपब्लिक इज रिटेन बाई प्लाटो या फिर सोक्रेटिस हमें बताना है हु फर्स्ट यूज द टर्म पॉलिटिक्स हिस्ट्री विदाउट पॉलिटिकल साइंस हैज नो फ्रूट पॉलिटिकल साइंस विदाउट हिस्ट्री हैज नो रूट हु सेड तो ये सब सारे आपको क्वेश्चन जो है ना ये पढ़ने हैं पहले चैप्टर से पॉलिटिकल थ्योरी से फ्रीडम चैप्टर नंबर टू है हमारा हु सेड फ्रीडम एज द फंडामेंटल राइट्स ऑफ ह्यूमन काइंड राइट द नेम ऑफ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ नैंसन मंडेला स्वराज इज आवर बर्थ राइट वी shall हैव इट हु said दिस हु इज़ द author ऑफ द बुक ऑन लिबर्टी तो ये सब सारे क्वेश्चंस वन मार्क वाले क्वेश्चंस हैं दो मार्क वाले क्वेश्चंस में इस चैप्टर से टू टाइप्स ऑफ फ्रीडम व्हाट डू यू मीन बाय नेगेटिव लिबर्टी मेंशन टू मींस ऑफ सेफ गार्डिंग फ्रीडम राइट ब्रीफली ऑन पॉजिटिव लिबर्टी राइट ब्रीफली ऑन द इम्पॉर्टेंस ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच इन डेमोक्रेसी मैंशन फोर टाइप्स ऑफ फ्रीडम एक्सप्लेन करना है द कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी हु इज द ऑथर ऑफ द बुक हिंद स्वराज मैंशन टू सोर्सेस ऑफ ये सब पढ़ना है आप लोगों को ठीक है चैप्टर नंबर थ्री से इक्वालिटी से क्या क्या पढ़ना है यह सब सारे क्वेश्चन जो है ना टाइप्स ऑफ इक्वालिटी मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी मैंशन थ्री प्रिंसिपल्स ऑफ मॉडर्न लिबरलाइजेशन लिबरलिज्म थ्री डायमेंशन ऑफ इक्वलिटी वाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्वलिटी वट डू यू मीन बाई इक्वालिटी बिफोर लॉ राइट इन नोट ऑन राइट टू इक्वालिटी राइट फोर कैरेक्टरसिक्स ऑफ इक्वालिटी डिस्कस वेरियस डायमेंशन ऑफ इक्वालिटी तो ये सब क्वेश्चन थर्ड चैप्टर से फोर्थ चैप्टर से आप लोगों को पढ़ने फोर्थ चैप्टर का नाम है सोशल जस्टिस तो सोशल जस्टिस अच्छे से पढ़ लेना ठीक है राइट टू तो डिफ्रेंस बिटवीन सोशल जस्टिस एंड इकॉनॉमिक जस्टिस के बारे में तो ये सब क्वेश्चन आप लोगों को चैप्टर नंबर फोर से पढ़ना है ठीक है ये सब, ये सब। सारे क्वेश्चन को मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो जो है ना बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा आपको अगर लगता है तो आप ये स्क्रीनशॉट ले लेना और उसके बाद आराम से पढ़ते रहना बुक से और आंसर चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो इसके जो है ना सारे के मैं आंसर्स कोशिश करूँगा आप लोगों को बना देने के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम पर इंस्टाग्राम का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और किस चैप्टर पर किस सब्जेक्ट पर आपको जो ना वीडियो चाहिए वो भी बता देना कमेंट सेक्शन में हम जल्द से जल्द जो ना उसी सब्जेक्ट के ऊपर जो ना वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट चैप्टर हमारा नेशनलिज्म है तो नेशनलिज्म से हम लोग को ये सब सारे क्वेश्चन पढ़ने तो एग्जाम आ चुका है आप अगर ये सारे अगर क्वेश्चन पढ़ लेते हो ना तो हंड्रेड परसेंट गारंटी समझ लो कि सारे क्वेश्चन जो है ऑलमोस्ट यहीं से आने वाले हैं हर साल यही सारे क्वेश्चन जो है ना रिपीट होते रहते हैं इनमें से और बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है अगर आप इनको कंप्लीट कर लेते हो तो ये हमारा चैप्टर है पीस तो पीस चैप्टर से द फ्लावर्स ऑफ हिरोशिमा इज रिटर्न बाई हु इज़ एसोसिएटेड विथ नर्मदा बचाओ आंदोलन उसके बाद राइट टू अप्रोचेस परस्यूड बाई यू एन फॉर मेंटेनिंग वर्ल्ड पीस व्हाट इज पीस टू टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल वायलेंस टू अप्रोचेस ऑफ टू प्रोश्यूट पीस फोर हिंड्रेंस ऑफ पीस तो ये है हमारे लास्ट चैप्टर्स पार्ट बी का आई होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो so, इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें हम जल्दी हाजिर होंगे एक नए वीडियो के लेके तब तक के लिए गुड बाय